सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉरी यार, जो वीडियो है वो शायद आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर से देखने को मिले, बिकॉज जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। मैं हूँ फिलहाल कैलिफोर्निया में, इंडिया से बिल्कुल उल्टा टाइम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसे में कभी जग रहा हूँ कभी सो रहा हूँ, लेकिन आपके लिए काम कंप्लीट कर रहा हूँ, बिकॉज इसी ताकत के पीछे है आप सभी के प्यार की एनर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों से बात करते हैं, पुराने पोल के सवाल ये था कि इसरो के बारे में भैया आपका क्या कहना है। तो 100% भैया आप सभी मानते हैं कि इसरो काम कर रहा है बहुत हार्ड, और 92% तो कहते हैं कि भैया इसरो काम कर रहा है बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा हार्ड। तो ऐसे दोस्तों हम सभी की प्रेयर्स, हम सभी के हम सभी का जो भी दोस्तों मैं कहूं कि अच्छा एक हम सोचते हैं कुछ, वो है इसरो के साथ। फिर उम्मीद करते हैं कि आगे जो मिशन है वो और बड़े और ज्यादा नेक्स्ट लेवल बहुत हार्ड वाले होने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों बात करते हैं आज के पोल की। तो सवाल ऐसे में ये है कि अभी आईफोन 11 की भैया अनबॉक्सिंग आने वाली है आपके लिए बहुत ही जल्दी, तो क्या आप कुछ स्पेशल एलिमेंट चाहते हैं? मैं प्लान कर रहा हूँ बड़ा बड़ा और मतलब बहुत ही बड़ा। तो ऐसे में आप सोचो और बताओ कि क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातों के साथ मिला लीजिए और दबाइए थोड़ा एक्स्ट्रा ताकत के साथ लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं, पहले अपडेट भी निकल के आता है यहाँ पे शाओमी के मी पॉकेट फोटो प्रिंटर को लेके, जहां पे उसको लॉन्च कर दिया है। छोटा सा एक डिवाइस है भैया, फोटोज को प्रिंट कर देता है, आप अपनी जेब में रख कैरी कर सकते हैं। कीमत है 299 युआन, करीब करीब 3000 रुपये के आसपास। अभी शाओमी है भैया, कैमरा से लेके फोन से लेके प्रिंटर से लेके सब कुछ ही बनाता रहता है। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे इसरो की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों इसरो ने ऑफिशियली भैया एक अपडेट करके अभी बताया, मतलब इंडिया में है ना जो बेरोजगार लोग हैं उनकी कमी नहीं है, और बेरोजगार दोस्तों एक अलग बात है, लेकिन ऐसे में मैं बोलूंगा कि उल्टी खोपड़ी वाले बेरोजगार लोग उनकी कोई कमी नहीं है। स्कैमर्स बोलूँ या बोलूँ कि फ्रॉड लोग, मतलब खाली बैठा दिमाग, मतलब पता नहीं भैया क्या क्या करते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं इसरो के चेयरपर्सन के सिवन के, और इसरो ने खुद ने ऑफिशियली अपडेट करके बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कोई भी कहीं पे भी कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं है। इसरो को अगर आपको फॉलो करना है तो आप ऑफिशियल अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, लोग जो है वो सोचते हैं कि भैया हम आज किसी का नाम यूज करते हुए अकाउंट बना लें, कुछ ले लें 150,000 फॉलोअर्स, और बाद में भैया करें उसका मिसयूज। लेकिन आपके दोस्तों यहां पे एक अपडेट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको इसरो के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ उनके ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो कीजिए। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे मोटोरोला को लेके, और यहां पर दोस्तों मोटोरोला जो है वो लेके आने वाला है 16 सितंबर को इंडिया में फोन, जो कि है दोस्तों मोटोरोला मोटो E6S। और यहां पर दोस्तों बोलते हैं कि अब नो कॉम्प्रोमाइज, तो इसका मतलब लगता है कि ये एक बजट रेंज में आने वाला फोन होगा, जहां पे स्पेसिफिकेशंस होता है कुछ इंटरेस्टिंग हो। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है मोटोरोला की तरफ से 16 तारीख को। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे टाटा स्काई की तरफ से, और यहां पर दोस्तों अभी जो NCF है, जो नेटवर्क कैपेसिटी फी है, उसको बेसिकली डिस्काउंट एक दिया गया है। आप जो है वो अलग-अलग पैकेजेस वगैरह बंडल्स वगैरह चूज कर सकते हैं। हालांकि मेरे को टीवी देखे हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, इनफैक्ट दोस्तों शायद आप सभी भी, जो भी हम सभी इंटरनेट की जनरेशन के लोग हैं वो टीवी को इतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी इंडिया में आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है DTH और केबल। तो ऐसे में टाटा स्काई जो है वो यहां पे ये एक नया ऑफर लेके आया है। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे एप्पल को लेके, और एप्पल की जो वेबसाइट है भैया वो डाउन हो गई है नए ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले, और ऐसे में दोस्तों बस अगले कुछ ही घंटों में होने वाला है अनाउंसमेंट, और मैं लेके आऊंगा आपके लिए कल सुबह एक फर्स्ट लुक वीडियो इन्हीं नए प्रोडक्ट्स का, जो कि एप्पल यहां पे अभी अनवील करने वाला है। अनबॉक्सिंग भी बहुत जल्दी आएगी और बहुत सारे सरप्राइजेस भी आएंगे। आई एम श्योर कि शायद इंडिया का पहला वीडियो होगा जो आईफोन्स का आप देखेंगे कल सुबह सुबह, शायद वही 9-9:30 बजे के आसपास। आज रात को लगा सकता हूं, लेकिन अगेन रात को आप सब सोइए आराम से, कल सुबह जब उठेंगे तब एंजॉय करना नए प्रोडक्ट्स का नया वीडियो। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे पबजी को लेके, एडिक्शन पता नहीं भैया कितना भर चुका है पबजी का, मतलब समझ नहीं आता यार लोग कुछ भी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिलहाल ये एक रिपोर्ट निकल के आती है जहाँ पे एक बंदे को अरेस्ट किया है पुलिस ने इस शक पे कि उसने अपने फादर का मर्डर किया, क्योंकि पबजी में रिचार्ज करने के लिए भैया वो पैसे नहीं दे रहे थे। यार मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या चलता है, क्या दिमाग में भरा होता है ऐसे में। यार एक गेम ही तो है, गेम की तरह खेल लो। ऐसे पहले भी हादसे हुए हैं बहुत बार, और अभी दोस्तों यहाँ पे दोबारा ये चीज़ निकल के आती है, मतलब
क्या बताएं यार, लेकिन अब जो है वो यही है कि पता नहीं ऐसा क्या हवा चढ़ गया है पबजी का कि मतलब पता नहीं क्या कर लेंगे भैया जीत के, वो एक वो नकली गेम के अंदर दो बंदूकों से गोली मार देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पास करो यार, खेलो गेम की तरह। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये रिपोर्ट निकल के आती है फिलहाल कर्नाटका से। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे ओप्पो रेनो एस को लेके, और यहाँ पे दोस्तों ये वो फोन लगता है कि भैया होने वाला है जो कि आएगा 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ में। कीमत एग्जैक्टली क्या होगी, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या साथ में लेके आएगा, वो फिलहाल कल कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसे बात हो रही है ओप्पो के रेनो एस की। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे शाओमी के 65 इंचेस वाले टीवी को लेके। भैया लगता है कि ये एक इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं 65 इंचेस का टीवी। भैया मिस्टर मनु जैन ने जो है वो एक हिंट सा दिया है, और ऐसे में बात हो रही है इसी टीवी की, शायद अभी इंडिया में ये कब आए, किस कीमत पे आए और क्या साथ में लेके आए, देखते हैं। वैसे शाओमी का आज तक का सबसे बड़ा टीवी होगा इंडियन मार्केट में जब शाओमी लेके आता है ये 65 इंचेस वाला नया टीवी। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो वन प्लस के टीवी की भैया बात कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम से भैया काफ़ी टीजर्स, काफ़ी अनाउंसमेंट्स, काफ़ी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं वन प्लस के टीवी के अराउंड। तो यहाँ पे ये एक फोटो निकल के आती है जहाँ भैया केवलार बैक फिनिश है, और जो स्टैंड है वो बड़ा यूनिक सा ही लग रहा है इस टीवी का। अभी देखना यह है कि वन प्लस भी इसको ऑफिशियली कब अनाउंस करता है, और इसमें मजे की बात मतलब सबसे अच्छी बात तो ये कि ये भैया इंडिया में अनाउंस करने वाले हैं शायद, और इंडिया में ही लॉन्च भी करने वाले हैं सबसे पहले इस टीवी को। तो यार ये एक बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या होते हैं ऑफिशियल अपडेट्स। तो बात करें अगले अपडेट की, तो ओप्पो जो है वो रेनो तो अभी जस्ट लॉन्च किया ही था, अभी यहां पे ओप्पो A9 2020 एडिशन की बात हो रही है, जहां पे दोस्तों ये फोन 16 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। और ऐसे में बोलते हैं कि भैया ये जो है ये अपने आप में और काफी नया आएगा, एक्सपर्ट निकल गए 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा के साथ में। देखते हैं प्राइस रेंज क्या और बाकी सब डिटेल्स क्या, अनबॉक्सिंग वीडियो अगर टाइम मिला तो इसका भी आपको खैर मिल ही जाएगा। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो यहाँ पे वीवो एक और नया फोन लेके आ रहे हैं। मतलब भैया मोबाइल फोन की तो ना बरसात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे में वीवो जो है वो एक नई सीरीज प्लान कर रहा है ऑनलाइन मार्केट के लिए। नाम है दोस्तों यहाँ पे यू सीरीज, और ऐसे में लॉन्च करने वाला है वीवो अपना फोन U10। अभी अगेन देखते हैं कब, कहाँ, क्या, कैसे, किस कीमत पे, और अनबॉक्सिंग के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। सबसे पहले अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको मिलेगी टेक्निकल गुरुजी चैनल पे। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो ऐसे में गूगल पिक्सल 4 जो है उसका दोस्तों यहाँ पे ये एक लीक निकल के आया है, जहाँ पे अगेन आप फोन को देख सकते हैं पीछे से ब्लैक और वाइट में। पिक्सल तो भैया पिछले साल ही बहुत लीक हुआ था, पिक्सल इस साल भी बहुत लीक हुआ है, हालांकि मुझे बहुत कुछ मालूम है फोन के बारे में लेकिन अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता। आप दोस्तों बस बने रहिए, अक्टूबर में जब भी होगा लॉन्च आपको अगेन इसका वीडियो भी सबसे पहले मिलेगा। पता नहीं मैंने ये बात कितनी बार बोली है, और लगभग हर बार ही कोशिश करते हैं पूरा करने की, और काफ़ी बार होती भी है पूरी, पता बहुत कुछ होता है लेकिन क्या करूं, मैं आपसे सही टाइम पे आने पे ही शेयर कर पाता हूं बहुत सारी डिटेल्स। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल को लेके। भैया दिवाली का मौका है तो दिवाली से पहले दोस्तों सेल यहां मिलने वाली है आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह पे, जहां पे अमेजोन ने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी कि भैया होने वाली है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, बहुत ही जल्दी मिलेंगे बम्पर भयंकर डिस्काउंट। ऐसे में पैसा थोड़ा बचा के रखिए खर्चा करने के लिए दिवाली के आसपास। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो ऐसे में मी बैंड 4 जो है वो भी 17 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जहां पर दोस्तों ऐसे में हिंट्स मिल गए क्लियरली। देखते हैं एग्जैक्टली कीमत क्या होती है, लेकिन इतना तो मान लीजिए दोस्तों जिस भी कीमत पे आएगा मेरे ख्याल से तो कार का मतलब काफी एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है इंडिया में फिटनेस ब्रांड्स के हिसाब से। बाकी अगर देखते हैं एग्जैक्टली इंडिया में कौन सा वाला वर्जन लॉन्च करता है शाओमी। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो ऐसे में सैमसंग जो है वो दोस्तों एक नई ऐप लेके आया है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, जो दोस्तों देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते उनके। दोस्तों यहां पर एक ऐप निकल के आई है जिसका नाम है गुड वाइब्स, जिसके चलते यार वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से काफी आसानी के साथ में, जहां पे दोस्तों मोर्स कोड के चलते यहां पे जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं वो भी करता है डिवाइस। तो मतलब ये एक काफी अच्छी ऐप है और काफी अच्छा इनिशिएटिव है सैमसंग की तरफ से। ऐसे में दोस्तों नाम है इसका गुड वाइब्स, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं दोस्तों जो डिफरेंटली एबल्ड है, हो सकता है कि आपका कोई नेबर हो या दोस्तों हो सकता है आपको रिलेटिव हो, तो आप उनको अपडेट करवा सकते हैं इसी ऐप के बारे में, जिसके चलते उनकी लाइव्स शायद थोड़ी और बेहतर हो पाए। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो भैया रियलमी जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि वो आने वाला है एक 5G स्मार्टफोन, जहां पर दोस्तों ये पावर्ड होगा स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज प्रोसेसर के साथ में, जहां पर दोस्तों यहां पे हमको 5G का सपोर्ट तो खैर क्वालकॉम बोलता है कि मिलने ही वाला है। एग्जैक्टली ऐसे में डेट वगैरह क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कब आएगा या और क्या कुछ खास होगा, इतना मान लीजिए कि लगता है कि रियली भैया इंडिया में सबसे पहली मोबाइल कंपनी बन सकता है 5G फोन लॉन्च करने वाला। एग्जैक्टली देखते हैं कब होता है, कहां होता है, कैसे होता है और किस कीमत पे आता है यही नया 5G स्मार्टफोन। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई ज्यादा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।